वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर ट्वेल्थ आप कौन सा स्ट्रीम ऑफ कर ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके पास पी सी बी है मतलब आपके पास बायोलॉजी रहा होगा तो आप क्या क्या कर सकते हो मतलब रेदर देन एम बी बी एस बी एम एस बी एच एम एस और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आप क्या क्या कर सकते हो तो इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी तो देख लो हेयर आर सम अदर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी मेडिकल कोर्सेज आफ्टर क्लास ट्वेल्थ विदाउट नीड जैसे आप कर सकते हो बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, मेड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्सेज बीएससी कार्डियोलॉजी बीएससी कार्डिक टेक्नोलॉजी बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी बीएससी इन ऑडियोलॉजी बीएससी इन ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर साइंस बीएससी ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आगे बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी नॉन क्लिनिकल, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डिक टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियो पलमरी परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ़ रेस्परेटरी थेरेपी बैचलर ऑफ़ साइंस इन न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स डाइटिक्स बैचलर ऑफ़ साइंस इन जेनेटिक्स तो ये ऐसे कुछ ट्वेंटी कोर्सेज़ हैं जो आफ्टर क्लास ट्वेल्थ आप ऑप्ट कर सकते हो रेदर देन एम या फिर कोई भी मेडिस मेडिकल के कोर्सेज जैसे मेडिसिन के कोर्सेज़ के अलावा ये कुछ ट्वेंटी कोर्सेज़ हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो इसमें नीट के एग्ज़ाम्स की भी ज़रूरत नहीं होती थैंक यू